सभी का स्वागत है मेरे चैनल में आराधिका की कुकिंग। तो आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। कढ़ाई रख दी है मैंने गर्म होनी। अब इसमें पानी डालेंगे। पानी अपनी सूजी के हिसाब से डालना है। तो लगभग मैं इसमें 3 कटोरी पानी डाल रही हूँ, लगभग 1.5 गिलास होगा ये पानी। तो चलिए अब इस पानी को गर्म होने देते हैं। अच्छे से जब गर्म हो जाएगा, देखिए गर्म होने लगा है पानी, बबल्स आपको दिख रहे होंगे। तो अब इसमें सूजी ऐसे धीरे धीरे ऐड करनी है, ऐसे चलाते जाना है, बिल्कुल एकदम नहीं डालनी है। धीरे धीरे सूजी डालनी है और फिर इसको ऐसे चलाते जाना है, लगातार चलाना है इसको, नहीं तो लम्स बन जाएंगे, फिर वो हटती नहीं है गांठें अगर पड़ जाती हैं तो। इस टाइम पे हमें बिल्कुल बहुत अच्छे से चलाना है, लगातार चलाते रहना है। पानी मुझे थोड़ा कम लग रहा है इसमें। पानी और ऐड करते रहना जब आपको लगे कि थोड़ा थिक हो रहा है, चलाने में परेशानी हो रही है, तो आपको पानी ऐड करते रहना है। मुझे अभी भी थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, थोड़ा पानी और ऐड करूँगी मैं अभी इसमें, क्योंकि अभी हम इसमें और सामान भी मिलाने हैं। देखिए कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए और लम्स बिल्कुल भी नहीं बने हैं हमारी सूजी में, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब इसमें हम अपना सामान ऐड करते हैं। तो ये मैंने 2 आलू हैं जो मैंने पहले ही ग्रेट करके रखे हुए थे, ये मिक्स करते हैं इसमें। अब इसमें प्याज डाल रही हूँ, ये एक बड़ा प्याज है जो मैंने बारीक काटा हुआ था। ये हरा धनिया, हरा धनिया से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपको ये थोड़ा थिक लगे, चलाने में परेशानी हो, तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब थोड़ा सा इसमें रेड चिली पाउडर डालेंगे, आप इसमें यहाँ पे चिली फ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से मिलाएंगे, थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाला है तो चलाने में ज़्यादा फिर परेशानी नहीं होती है। ये गाढ़ा देखो कितना हो रहा है, अभी और गाढ़ा हो जाएगा, ये थिक हो जाएगा। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। चलिए इसको निकाल लेते हैं दूसरे बाउल में। अब इसमें ये कॉर्नफ्लावर है थोड़ा सा, 2 चम्मच, बड़े 2 चम्मच हैं। आप यहाँ पे चावल का आटा भी मिक्स कर सकते हैं अगर कॉर्नफ्लावर नहीं है। अगर चावल का आटा भी नहीं है तो आप यहाँ पे बेसन भी मिक्स कर सकते हैं। तो अब ये डालेंगे हम पाव भाजी मसाला, इससे इसको बहुत अच्छा टेस्ट मिलेगा, बहुत चटपटा बनेगा ये। अगर पाव भाजी मसाला नहीं है तो आप इसमें अमचूर पाउडर और गरम मसाला भी मिक्स कर सकते हैं। मेरे पास पाव भाजी मसाला था तो मैंने ये ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से मिलाएंगे, हाथ से अच्छे से मिक्स होगा ये। तो देखिए अब ये अच्छे से मिक्स हो रहा है। तो चलिए अब इसके हम पैटी बनाना शुरू करते हैं, शेप देते हैं इसको हाथों पे अच्छे से तेल लगा के अच्छी तरह। आप इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं, मेरे को ये शेप ज़्यादा बेटर लगी क्योंकि गोल करने से अंदर से थोड़ा कच्चा रह जाता है। तो चलिए अब इसकी इस तरह से सारी पैटी बना लेते हैं।
चलिए पैन रख देते हैं गर्म होना। ऑयल डालते हैं, ऑयल थोड़ा अच्छे से डालेंगे, हम रिफाइंड ऑयल यूज़ नहीं करते हैं, सरसों का तेल या फिर देसी घी ही यूज़ करते हैं। अच्छे से फैला लेते हैं। गर्म होने के बाद हम अपने आलू टिक्का बाइट्स चढ़ाएंगे। ये देखिए पैन गर्म हो गया है। आप उतने ही रखें जितने आपके पैन में आए। तो अब इनको हम एक साइड से पकने देते हैं। तेल अगर कम लगे तो और डाल सकते हैं। मैंने डीप फ्राई नहीं किया है तो थोड़ा सा उसमें ना ज़्यादा ऑयल आ जाता है। चलिए अब इनको थोड़ा सा चला लेते हैं। गैस थोड़ी कम कर देते हैं, तेज गैस पे बिल्कुल नहीं करना है। पलट के देख लेते हैं तो अच्छा कलर आया है। देखिए कितने अच्छे और क्रिस्पी बने हैं एक साइड से। इनको दूसरी तरफ से भी सिकने देते हैं हम। तो ये बनने के बाद बहुत टेस्टी लगते हैं, इनको जरूर ट्राई करना आप। इनको ऐसे बीच बीच में चलाते रहें। तो ये देखिए जो बन गए हैं उनको उतार लेते हैं। देखिए भी बन चुके। तो चलिए अब शुरू करते हैं प्लेटिंग। ये एक बार जरूर ट्राई करना आप, स्पेशल आलू टिक्का बाइट्स। बहुत टेस्टी रेसिपी है, एक बार आप बनाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे इनको। बहुत टेस्टी लगते हैं बनने के बाद, क्योंकि अभी बाहर जाते हुए सबको ही बहुत डर लग रहा है। तो हम घर में ही कुछ ऐसा बनाएं कि थोड़ा सा मन भी खुश हो जाए और टेस्ट भी चेंज हो जाए। तो आप ये ज़रूर ट्राई करना अपने घर में और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और ऐसी ही रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए आप जो मेरा बैटर बच गया था मैं उसको आपको दूसरे तरीके से बना के दिखाऊंगी। तो ये हम ब्रेड स्लाइस लेंगे और उस पर ऐसे इसको लगा देंगे बटर की तरह। एक साइड लगाना है क्योंकि जो कभी बच भी जाता है सामान तो इसका थोड़ा सा दूसरा तरीके से इस्तेमाल भी होना चाहिए। तो देखिए ऐसे स्लाइस पे ब्रेड स्लाइस लिया मैंने, ऐसे से इसको स्प्रेड कर देंगे। तो ये देखिए मैंने दो स्लाइस पे लगाया है। चलिए इनको सेक लेते हैं। ब्रेड के लिए मैंने देसी घी लिया है। गरम होने देते हैं पैन। तो चलिए इसको ऐसे उल्टा डालना है। ये ऐसे भी बहुत टेस्टी लगते हैं ब्रेड के साथ। तो चला लेते हैं, लो फ्लेम पे इनको रखना है। तो चलिए थोड़ा सा घी लगा लेते हैं। ये गाय वाला घी है, थोड़ा येलो दिखाई दे रहा है इसलिए। चलिए इनको आराम से पलट लेते हैं।
बहुत टेस्टी लगते हैं। ये जो बैटर बनाया हुआ है हमने, बहुत टेस्टी होता है ये, एक बार ज़रूर ट्राई करना आप सब। चलिए अब इनको हम पलट के देख लेते हैं। तो देखिए कितने बढ़िया एकदम सिके हैं। तो चलिए अब हम इनको पलट लेते हैं, दूसरी साइड से भी सिक चुके हैं। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। ये मैंने दूसरे तरीके से बना के दिखाया है, ब्रेड पे ब्रेड स्लाइस बन गया है, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी लगता है। आप एक बार ट्राई ज़रूर करना, और ऐसी और रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ये बहुत टेस्टी लगता है, एक बार ज़रूर ट्राई करना। देखिए आप सबको कैसा लगा ये ज़रूर बताना मुझे, और ऐसी और रेसिपीज़ के लिए आराधिका की कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।